नाम क्या? मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मरना चाहते हो? बात करो, बात करो, हाजिर है, बात करो। हाँ, केस छु नाटक, नाटक करो। अरे नाटक हो के पटे छी? अरे नाटक कोनो मार दो, उसको बोलो बातचीत करो, नहीं तो मौत मिलेगी तुरंत। कथा बात आवन होले संगे संगे मरे देबे। कोन कोए पे जाछु? को कोन कोए पे जाछु? कौन जाऊँ तू? हाँ, देखो क्या अच्छा? काटी कुटी लगी? हाँ, 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 कहाँ? कितने वाले आए तुम लोग? हाँ, लो ताकत दिखाओ, बातचीत करो उससे, पकड़ो। हाँ, तो सर, अच्छा ना कांचू? क्या? क्या कांचू का? बात करो, कौन है ये? कौन है? के? के? नाम बोलो, उसका नाम पूछो। नाम औरत है कि आदमी है? पूछो। पिला ना को पिला? कोई भी नहीं। उसको बोलो बातचीत कर सकते हो, या भाभी बाबा ने जवान काट दिया है तो मैं तेरी जवान वापस दिला सकता हूँ। ठीक है, हम तेरी जवान वापस दिलाते हैं, फिर बोल। सबको ठीक कर को। चल ऊपर मुंडी कर, ऊपर मुंह खोल, मुंह खोल, ऊपर ऊपर खोल, आकर आकर चल। अभी तू बोल सकता है, बोल बोल, अब बोल सकता है तू। तू कैसे मर गया था, कितने साल से इसके ऊपर है? अब अपने भाषा में बात करो। बोल जल्दी। कितने साल से? कितने वर्ष साल है? को ठीक है? हां हां के को 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 खाली तुम बोलो। को तू बोल सकता है, बोल। अभी नाम क्या है तेरा? कैसे मर गया था? तू औरत है कि आदमी है? पूछो। तुझे पिला ना को पिला? तू बोल सकता है, बोल। बोल जल्दी। लड़का। लड़का कैसे मर गया था? लड़का तू कैसे मर गया था? फांसी लगाया था? कितने साल के थे तुम? उसी तरह देखो, एक जैसे फांसी लगाते हैं वैसे ही एम भी है उसका, एकदम ऐसा लटका हुआ। तुम कितने साल के थे? 18 साल। काहे को फांसी लगा लिया? खुद लगाया या किसी ने लगाया? बोलो बोलो बोलो, खुद क्यों, ऐसा क्यों किया? क्या परेशानी थी तुमको? घर में कौन मारता था? पापा। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ अपना, क्या नाम है तुम्हारा? मोहन। तुम्हारे फादर का नाम? रवि। तुम्हारा बाप जो मारता था तुमको, जिंदा है कि मर गया? मर गया। तो जिसके ऊपर रहो ये तुम्हारी कौन है? बीवी बना के रखे हो? कितने साल से आओ तुम इसके ऊपर? 15 साल से। इसको क्या तकलीफ दिया तुमने? बहुत क्या? इसको जहर खिलाया, खाई आप? अच्छा, बच गई फिर। और मारा? और बच्चे को खाया? कितने बच्चे को खाया इसका? दो बच्चे। दो लड़के को खाया या लड़की? दोनों लड़का खाया हुआ ऐसा? कितने दिन का बच्चा था वो? 10 दिन का, पैदा होने के बाद 10 दिन का। सही है, वो भूत बोल रहा है, जो मारा उसने वही बता रहा है। और क्या तकलीफ दिया इसके बॉडी में? कोई तकलीफ, बीमारी कोई दिया तुम लोग ने क्या? अभी देंगे नहीं, अभी हम तुम्हें ऊपर भेज देंगे।
फांसी लगाने से मरने से क्या फायदा हुआ तुमको? दूसरे को परेशान कर रहे हो। नहीं जाऊंगा। हम तुम्हें मौत दे देंगे, तुम लेके जाऊंगा। ये नहीं हो सकता है। होगा, मैं उसके ऊपर हूँ। होगा। अरे यहाँ पर रोज ऐसे ही होता है, रोज ऐसे ही होता है। लेके जाना है। नहीं लेके जा सकते। लेके जाना है। कितने भाभी बाबा को आपने दिखाया होगा? कितने? लगभग 20-30। 20-30 को दिखाया। कोई बात नहीं, ये आखिरी बाबा समझ लो, अभी इनको मौत दे देंगे। तो 30-40 बाबा को दिखाया तो क्या वो की बोले? कुछ फर्क नहीं, 2-3 दिन चल लगता था। 2-3 दिन के बाद फिर वही कहानी शुरू। तो कितना रुपया उन लोगों को दिया होगा? बहुत सारे बाबा, 1,00,000। 1,00,000 रुपया दे दिया। क्या करते हो? पुलिस में हूँ। पुलिस में हो? क्या करते हो पुलिस में? पुलिस में हवलदार हूँ। हवलदार हो? भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर। तो गोली बंदूक मिलती है तुम लोगों को कि नहीं? तो मिलती है। तो भूतों को मार सकते हो? नहीं बाबा, नहीं मार सकते हो। घर पे जो टेंशन मिलते वही हमारा। चलो आप बात कर लो थोड़ा सा हाथ में भूतों से, हम अभी मौत दे देंगे। जल्दी काम की बात, फटाफट। किसको किसको आउट है, क्या है, कौन किया? जल्दी जल्दी फास्ट। तो किस गांव के रहने वाले थे तुम? जहाँ ये इसका घर है या इसके पति का घर है उस गांव के? कहाँ पे इसको पकड़ा, कैसे पकड़ा तुम? पेड़ के नीचे बैठी थी। अच्छा, ये पेड़ के नीचे बैठी थी, रो रही थी। क्या कर रही थी? रो रही थी। तुमने पकड़ लिया? हाँ। अकेले बैठी थी? हाँ। क्यों रो रही थी? इसके पति ने मारा। अच्छा, इसके पति ने मारा था? मारा था आपने? कितने साल पहले? 15 साल पहले। 15 साल पहले हुआ था ऐसा? कोई टेंशन तुम ही लोग दिए थे क्या? हाँ। पति को? हाँ। पति को टेंशन दोगे तो पति तो फिर गुस्से में मरबे करेगा ना। क्या टेंशन दिया था पति को? झगड़ा करवाते थे तुम लोग। हाँ। और फिर उससे पिटवा के और फिर ये अलग करवा दिया। हाँ। कोई बात नहीं साले, कुत्ते की मौत मरोगे तुम। तो इसको तुमने पकड़ा है और इसको करके किसने खिलाया था? इसकी खुद की बड़ी माँ की बेटी ने खिलाया। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? डोमनी। क्यों, उससे क्या दुश्मनी थी इसकी? चिढ़ते हैं वो लोग। चिढ़ते हैं, जलते हैं। मार डालूंगा बोलते हैं। अच्छा, इसको मार डालेंगे? हाँ। अच्छा, किस चीज में करके इसको खिलाया था? खाने में। उल्टी में निकलेगा, दवा जड़ी बूटी आप लोगों को मिली गई है यार। ठीक है, और इससे कोई बात करना है आपको? बस डी एंड कर दें इसका। चल दसो आ जा मेरे पास, इधर दिखाओ मेरी तरफ। आप खुलवाओ, आप खुलवाओ। ऊपर जा जल्दी से, तेरी मुक्ति आज, सेवा तेरी समाप्त। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। बोलता है हम इसको लेके जाएंगे, इसके बाप का राज है, क्या लेके जाएंगे। अब ये लड़की बेहोश हो गई, अब होश में आएगी तो फिर बात किया जाएगा। भूतों को मारने से बेहोश, अभी उसको होश में लाया जाएगा। अरे मैडम जी, कहाँ से आप आ रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं मैडम जी? कहाँ से आ रही हैं? किधर से आ रही हैं? आप यहाँ बैठी थी फिर सो गई, पता है आपको? नहीं पता है। आप कहाँ से आई हैं? किधर से? लखनऊ से आए। अच्छा, इसके पहले क्या बातचीत हुआ कुछ याद है आपको? नहीं। भूतों से हमने बातचीत किया। ये कौन है आपका बगल में आपके? पति। ये पति है आपका? क्या काम करता है पति आपका? पुलिस में है। कितने साल से आप भूत प्रेत से परेशान थी? हो गया
बात से ही परेशान। कितना साल हुआ शादी को? 15 साल। 20 साल से भूत प्रेत पकड़े हुए थे, 2 बच्चे को भी भूतों ने आपके मौत के घाट उतार दिया। भूत ने बोला, ये कौन है आपका? ये देवर है, ये सास है। चलो अभी बढ़िया हो जाएगा। तब आपको सासू जी कैसा लगा? आपकी बहू अब ठीक हो रही है? क्या क्या बोला आपने अपने भाषे में, मेरे समझ ही में नहीं आया। क्या क्या बोला आप लोग ने? सालों भर बहुत तकलीफ में थे बाबा, सालों से। आने के बाद माँ का तबियत थोड़ा ठीक हुआ, ऊपर का जो मरवाया है, ऊपर का माँ का मरवाया तो ठीक हुआ। ठीक हुआ, यही होता है यहाँ पर, तभी दोबारा तिबारा लोग आते हैं। आज कम से कम 150 आदमी को देख रहे हैं पर डे, मतलब कि छोड़ देते हैं, कितने घबराते हैं, इतने आदमी को आज देखेंगे कि नहीं, जितने आएंगे देखेंगे। 2 दिन बैठते हैं, जुमेरात और इतवार, कितने रोज चले आ रहे हैं। अरे रोज थोड़ी हम बैठते हैं, सिर्फ 2 दिन हफ्ते में, संडे और तुम्हारे भाषे में वीरवार, गुरुवार जो भी बोलते हो आप लोग, 2 दिन आते हो भैया, उस दिन आओ, भूतों को मरवाओ, मुक्त होके भूतों से आप जाओ। तो आपकी सास को क्या, माँ को क्या दिक्कत होता था? माँ तो सोते रहती थी और चिड़चिड़ापन ज्यादा होती थी, कभी देखो मुझसे बात ही ठीक से नहीं कर। अब कर रही है ना? अब कर रही है। चलो आज भी भूत उसका मरवाओगे, फिर फाइनल ड्रा हो जाएगा, एकदम ठीक रहेगी, सदा ठीक रहो। तो यहाँ पे आपको आने के लिए कैसे कोई बताया था? नहीं बाबा, मैं YouTube में देखा था। YouTube में देखा, 80 से 100 वीडियो देखने के बाद ही पानी करके मैं यहाँ पर आया। फिर आया, आने में अड़चने बहुत आई होगी या आसानी से आ गए? बहुत, भूत प्रेत आने नहीं देते। मेरे माँ तो मुझसे बात ही नहीं की थी, तो उसको गंगा स्नान करवाने के लिए झूठ बोल के लेके आए, लेके आया था। घर पे लड़ती थी रोज, बहुत लड़ते थे, मेरे बीवी लड़ते थे, उन लोगों को आने के लिए मुझसे। तो पहली बार में किसको लेके आया था? मैं फैमिली को लेके आया था। आज में लड़के को? लड़के को भी। वो उसको क्या दिक्कत होता था? वो सोता रहता था, हर दिन सोता रहता था। तो ये आने के बाद उसको ऊपर का भूत मरवाया, और माँ का भी ऊपर वाला। तो सबको, दोनों को रिलीफ मिला? रिलीफ मिला। तब फिर बाकी सबको लेके आए? सबको ले आया। चलो बढ़िया। तो बच्चे के ऊपर कितना था? बच्चे के ऊपर 7 था ऊपर में। अब माँ पे कितना था? माँ में 9 था ऊपर में। 9। तो भूत प्रेत चिड़चिड़ापन, सोलाना बीवियों को सोलाना, और आदमी ये सोचता है कि बीवी हमारी जांगर चोर आ गई है, सासू सोचती है कि ये जांगर चोर है, बस मगर ये भूत प्रेत करवाते हैं, काम ही नहीं करने देंगे, सो जाओ चल के, बस सो जाएंगे। हम तो महसूस कर रहे हैं रात में सोते वक्त, तो जो चिड़चिड़ापन झगड़ा रात में, बहुत रात में झगड़ा रहती थी बीवी का हमारा, और माँ तो टोटली बात ही नहीं करती थी। तो अभी भूत प्रेत मरवाने से क्या, इसके पहले कभी सोच रहे थे ऐसा भूत प्रेत होता है वगैरह वगैरह, ऐसा मानते थे? नहीं, बचपन से मैं देख रहा हूँ, मेरे माँ का बहुत। अच्छा, बचपन से देख रहे हैं माँ को। अभी माँ को ठीक करवा के तुमको कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, उसका बातें भी बहुत मीठी लग रही है। तो लगेगी, अब वो आपकी माँ हो गई, उस समय भूत प्रेत अंड बंड बकवा सकते हैं, गाली गलौज दिलवा सकते हैं अभी, और बढ़िया हो गए और सदा बढ़िया रहे। अगर कोई अब भूत प्रेत ना करे किसी को तो। चलो, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे, क्या फायदा हुआ हमारा? फायदा तो बहुत सारे हुआ बाबा, क्योंकि बहुत साल हो गए माँ को यहाँ इधर उधर घुमा के, बस यहाँ पे आने के बाद ही मुझे कोई बताया था, मेरे दोस्त ने राजस्थान कहाँ पे जाने वाले थे, वहाँ पे जो उनका टेम्पल, तो वीडियो में आपके देखा, वहाँ से इधर आ रहे हैं लोग राजस्थान में, वो है बालाजी, वहाँ पर क्या होता है, खेलो हबुआओ उसमें घर जाओ, तो फायदा क्या ऐसा मंदिर मस्जिद का, क्या क्या मतलब है? नेट पे चेक किया, तो बाद में आपके यहाँ पे आके जो लोग बोले थे कि बाबा हम बालाजी के पास गए थे, वो माँ को मना किया, बालाजी नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बाबा के पास। यहाँ सीधे भूतों को मौत मिलती, इसलिए लोग हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। हेलो हेलो बाबा जी, राम राम। बोलिए। मैं, हमारे घर में जरा दिक्कत सी हो रही है, वही परेशानी सब बहुत हो रही है। कहाँ से बोल रही है? मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ। मैं नजफगढ़ से, आपको जहाँ का एड्रेस है वहाँ आना पड़ेगा, फोन पे बात करने से आपकी परेशानी नहीं दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, यहीं आने से होगी? क्या बेवकूफी वाली बात करती हूँ, यही बात अभी हमने बोला है ना, जब यहाँ होगी तभी ये परेशानी आपकी दूर होगी। और ये मतलब हमने यूट्यूब में देखा था, वो क्या कहते हैं, फोन से भी हो रहा था। कौन बोला है फोन से हो रहा है, गधा है वो, फोन से क्या होता है? हाँ। कौन बोला है आपसे फोन से होता है? यूट्यूब में देखा था, नेट में। फोन से होता है? फोन से बात करके हो रहा है करके? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, फोन से बात करने से कुछ नहीं होता है, रखो फोन। ठीक है। हेलो हेलो, नमस्कार, बाबा जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी। नमस्कार, मेरा नाम राम है। हुँ? और मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ। मेरा अगला सब्जेक्ट है जो वो स्प्रिट के बारे में है, तो मैं आपका यूट्यूब पर देख रहा था कुछ वीडियोस,
जानना चाहता था क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे मिल सकूं? क्यों, कोई भी मिल सकता है हमसे। अच्छा अच्छा, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ शूट कर सकूं? एकदम शूट कर सकते हैं। हाँ? अच्छा, आप कहाँ से हैं बाबा जी? कुछ पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो नेट पे लिखा हुआ है पूरा एड्रेस, किस दिन बैठते हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है उस पे। अच्छा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब पर नहीं लिखा है। हर वीडियो के आखिरी में आएगा, आप देखिए वीडियो कोई भी खत्म होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, आखिरी में आएगा। हाँ। ठीक है, मैंने पूरा देखा नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं क्योंकि फ्रेंच मीडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ पहले। तो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, आपका एड्रेस देखता हूँ और फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अगर मैं शूट करता हूँ तो कुछ फिल्म? अरे भैया, हमने कहा ना कि कोई भी पूरी दुनिया का मीडिया आके शूट करे और दिखाए सच्चाई यहाँ की, हमारे यहाँ की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाए, पूरी दुनिया का भला हो, हम ये चाहते हैं। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच बाबा जी। ओके, मैं आपसे बाद में बात। राजघाट पुल है ये, बनारस में ये पड़ता है। ये नीचे उतरते ये जिला चंदौली में आ जाएगा। राजघाट बनारस में है, नीचे उतरते साथ ये पड़ाव आ जाएगा। पड़ाव चौराहे से दाहिने साइड रामनगर वाली रोड पे आपको जाना है। लगभग यहाँ से साहूपुरी 3 किलोमीटर दूर है, ये सीधी रोड जा रही है।